मिलक नगर में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया। केस मिलने के तुरंत बाद नगरपालिका के शासी अधिकारी छोटे कन्हैया के निर्देश पर उक्त पटेल नगर को सील करते हुए हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया गया है। मिलक के पटेल नगर का रहने वाला युवक दिल्ली के किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। बीती 7 मई को वह अपने घर मिलक पहुंचा था। उसके बाद उसे खांसी जुकाम होने पर टेस्ट कराया गया। उसका पहला टेस्ट निगेटिव निकला टेस्ट, लेकिन कुछ दिनों में उसकी हालत और बिगड़ती गई और दोबारा टेस्ट कराने पर वह उक्त युवक कोरोना पॉजिटिव निकला। रिपोर्ट आने पर उक्त युवक को जोहर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है और उसके परिवार को तत्काल होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। पूरे वार्ड को नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा सैनिटाइज कराया जा रहा है। उपजिलाधिकारी डॉक्टर ज्योति गौतम ने बताया कि हॉटस्पॉट एरिया में किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जरूरी सामान की होम डिलीवरी की जाएगी। मैडम, पटेल नगर में जो मरीज मिला है उसको लेकर नगर में आपके द्वारा क्या क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं, क्या क्या सावधानियां आप लोगों के द्वारा बरती जा रही है, संबंध में थोड़ा सा बताइए। हाँ, जैसे कि रिजल्ट आया टेस्ट का कि एक मरीज पॉजिटिव आया है और वो हमारे नगर क्षेत्र के पटेल नगर मोहल्ले का है। तत्काल उसको सबसे पहले तो जो क्वारंटाइन की तरह सेंटर से जो बस चलती है उसको उसमें उसके परिवार के साथ जो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है रामपुर में वहां पहुंचाया गया। तत्काल प्रभाव से उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया और पुलिस की ड्यूटी लगाई गई। साथ ही साथ क्योंकि वहां पे एक कोरोना मरीज आके रुका हुआ था, रह रहा था, तो पूरे मोहल्ले की हमने सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया है और साथ ही साथ रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं पड़ेंगी लोगों को, जैसे कि दूध, सब्जी, फल या किराने का कोई सामान हो, उसकी व्यवस्था के लिए हमने वॉलंटियर्स लगाए हैं, जिससे किसी भी आवश्यक वस्तुओं की उस कंटेनमेंट जोन में कमी ना हो, क्योंकि अब उस कंटेनमेंट जोन से किसी भी व्यक्ति का अंदर जाना या अंदर से बाहर आना अब मना हो गया है। मैडम, उस तरफ सुबह को लोग वॉकिंग करने वहां से लोग जाते हैं। हाँ, तो उसको लेके कोई नहीं, जो कंटेनमेंट जोन है वो जो बनाया गया है उसकी परिधि होती है, उस परिधि में लिया गया है। जो मेन रोड है वो हमारा बिलासपुर रोड है, वो चल रहा है। जो मोहल्ले वाला पार्ट है उसको कंटेन कर दिया गया है कम्प्लीटली। मैडम, कुछ और मैंने सुना था, कुछ और अपने आसपास के गांव हैं जैसे कि मिलक, हरजीपुर, मोहम्मद बख्श, नानकर, वहां पर भी कुछ अभी पता चला है कि कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं और अभी जो मेडिकल टीम है वो उसका पता लगाकर बताएगी कि वो लोग कहां पर हैं अभी और उनको भी उसी प्रक्रिया के तहत क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा और वही गांव पर भी सैनिटाइजेशन पूरे गांव का और वहां पे भी कंटेनमेंट जोन, वहां की सप्लाई की व्यवस्था, ये सारे कार्य कराए जाएंगे। मैडम, कुछ लोगों की शिकायत है कि जैसे कि कहीं बताया जाता है बाहर से लोग आए हुए हैं, वो रुके भी हैं घर में, उन्होंने सूचित नहीं किया, या जहां से वो आए हैं वहां पे मेडिकल चेकअप करा के आए, यहां पर उन्होंने कोई चेकअप नहीं कराया, तो उसको बताया जाता है, तो अपने यहाँ किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति को या किसी भी सरकारी कर्मचारी को, स्वास्थ्य कर्मी को बताया जाता है, तो ध्यान नहीं दिया जाता है, बड़ा थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा झोल है, थोड़ा सा ऐसी बात नहीं है। कहाँ तक सही? आज के टाइम पे आप भी जान रहे हैं लाखों की संख्या में लोग चल के जहाँ पहले काम करते थे वहां से घर वापस आ रहे हैं और जो सैंपल चेक या सैंपल लेने की बात है वो हम उन कैटेगरी के लोगों को करते हैं जिनमें कोई सिम्टम होते हैं या जो कि प्रोन कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि कोई वृद्धजन हुए या कोई पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं उनके सैंपल, और गर्भवती महिलाएं हुई जो कि प्रोन कैटेगरी में आते हैं उनके सैंपल लिए जाते हैं। उसी सैंपल के उस जांच के अंतराल ही ये लोग निकल के आते हैं और वैसे वैसे हम उनको करते हैं। नॉर्मली अगर किसी को कोरोना है और उसको होम क्वारंटाइन वो कम्प्लीटली अपने आप को कर लेता है,
अपने सेहत के लिए वो प्रिकॉशन लेता है, सारी वो कार्य करता है जो कि उसको करने हैं, तो वो खुद से उसकी बॉडी रिकवर कर लेती है। बट बशर्त है कि वो अपने घर में बना रहे 14 दिन 21 दिन का। मैडम ये जो आश्रय स्थल है, इस समय कितने लोग होंगे लगभग वहाँ पे, कितने खाना बनाया जा रहा है? लगातार लोग आ रहे हैं, हम उनकी रैंडम सैम्पलिंग, वही क्राइटेरिया जो प्रोन कैटेगरी के लोग हैं उनकी सैम्पलिंग करते हैं। सैंपल जिनका होता है वो आश्रय स्थल में रोक के बाकी लोगों को, क्योंकि वो मिलक के ही गांव के हैं, उनको दिया जाता है। आज हमारे टाइम पे 55 आर्य विद्यालय में, 14 आपके हीरा में और 4 हमारे सरस्वती में रुके हुए लोग हैं। मैडम मिलक की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप इस संबंध में? इसी संबंध में किस तरह से रहा जाए, घूमा जाए, बाहर निकला जाए, कहाँ निकला जाए? यही अपील करूंगी कि अपने घरों में ही रहें, वो सुरक्षित रहेंगे। जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं होती है, लोग घरों से बाहर नहीं निकले। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।